हाय फ्रेंड्स, ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेबी के लिए टॉप बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंथेटिक फैब्रिक लिया है, वो है 1 मीटर, और उसी के साथ हमने लेस ली है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने टॉप पार्ट के लिए इस तरह फैब्रिक को सिंगल बिछाया है। टॉप की लेंथ हम लेंगे 22 इंचिस, और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 40 इंचिस। इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे। इस तरह 2 फोल्ड हमने कर लिया है, और एक बार सेंटर में से फोल्ड करके इसे 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 10 इंचिस, और यहाँ से नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और टॉप पार्ट की लंबाई हम लेंगे 20 इंचिस। अब इस लाइन को हमें नीचे तक कट कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे, और ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह मैंने 2 लेयर कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। इस तरह के 2 लेयर है। दोनों लेयर को हमने उल्टा रखा है। अब ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इतना फैब्रिक हमें फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करके इसकी बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में हमें इसी तरह 1.5 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके बॉर्डर पे सिलाई लगानी है। दोनों बॉर्डर पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच चौड़ी इलास्टिक स्ट्रिप ली है, जिसकी लेंथ हमने ली है 11 इंचिस। इसे सेफ्टी पिन से पिनअप कर लेंगे, और यहाँ से होल में से इसे हमें पास करना है। दोनों तरफ की बॉर्डर तक हमें इस इलास्टिक को लाना है, और इसे खींच के दोनों तरफ हमें सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हमें इलास्टिक डाल के इसे दोनों तरफ सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। दोनों पार्ट में ही हमने इलास्टिक डाल दी है। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर के लिए 2 स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 5 इंचिस, और लंबाई हमने 15 इंचिस लिया है। ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच जितना फैब्रिक को फोल्ड करना है, और इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है, और नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके इस तरह बारीक फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों स्ट्रिप में हमने इस तरह ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाई है, और नीचे से भी हमने सिलाई लगाई है। ऊपर की तरफ हमें इलास्टिक डालनी है। यहाँ पे इस लेस को हम नीचे की बॉर्डर पे अटैच कर लेंगे। लेस अटैच हो जाने के बाद ऊपर की तरफ हमें इलास्टिक डालनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की इलास्टिक ली है, जिसकी लेंथ हमने ली है 8 इंचिस। ऊपर की होल पे हमें इलास्टिक डालना है। इसके लिए हम इलास्टिक को सेफ्टी पिन से पिनअप कर लेंगे, और यहाँ से पास करेंगे।
दोनों तरफ अच्छे से इलास्टिक को लाकर दोनों तरफ हमें इसे सिलाई लगानी है। अब दोनों पार्ट में हमें इस रफल को अटैच करना है। इसके लिए हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, दोनों पार्ट के सेंटर में हमें मार्क करना है। अब सेंटर मार्क के दोनों तरफ हमें 3 इंच पे मार्क करना है। इसी तरह इस पार्ट में भी हमें सेंटर में मार्क करना है और सेंटर मार्क के दोनों तरफ 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें रफल अटैच करनी है। इस तरह के 2 रफल हमने रेडी किया है। इसे हमें यहाँ से सिलाई लगा के अटैच करना है। इस स्ट्रिप को भी हमें दोनों पार्ट को इस तरह बॉर्डर पे अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर पे इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लिया है और ऊपर हमने यहाँ पे बटन अटैच किया हुआ है। तो इस तरह हमारा यह डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।